कतर के लोअर कोर्ट ने 8 नेवल पर्सनल जो हैं जिन्होंने कई प्रकार के शिप्स को कमांड किया है, सीनियर ऑफिसर्स थे, एक उसमें सेलर है, उनको डेथ पेनल्टी दी है ये कहकर कि वो इसराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे। ये जो ऑफिसर्स हैं ये कतर की जेल में पिछले 4-5 महीने से, हमारी सरकार और MEA ने साफ तौर पर कहा है कि वो फैमिलीज के साथ कॉन्टेक्ट में हैं, उनको हर प्रकार की लीगल एड देंगे, उन कतर की सरकार से हम कहेंगे हमको ज़्यादा काउंसिल एक्सेस दिया जाए और अगर आवश्यकता पड़ी तो एट दी हाईएस्ट लेवल कतर की सरकार से बात करेंगे ताकि इनको वापस हिंदुस्तान लाया जा सके। और मुझे पक्का यकीन है कि हमारे जो रिलेशन है कतर के साथ काफ़ी से बेहतर है, काफ़ी अच्छे हैं। कतर की लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान की सरकार हर प्रकार से सक्सेसफुल होगी जी।